नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय दतिया जिले में हूँ, जहाँ पर सेवड़ा विधानसभा में खंजापुरा ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार विजय सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनसे बात करेंगे किस उम्मीदों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं, आखिर इनकी मुद्दा क्या है। आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। विजय सिंह बघेल जी, जनता यदि आपको चुनती है तो आपकी क्या आवश्यकताएं रहेगी? हमारी आवश्यकता ये रहेगी, खंजापुरा ग्राम पंचायत में एक सड़क की योजना से बहुत परेशान है। वहाँ तो कुछ ऐसा ही है कि वहाँ तो निकल नहीं पाते अच्छी तरीके से। अच्छा, उसमें पांच गांव लगते हैं, तो पांच गांव में गोपालपुरा में तालाब भी बन गया लेकिन उसका बाउंड्री भी होना है, और भैंसाई में मरघटा नहीं है साहब, मरघटा सड़क पे लोग जलाते हैं, और वहाँ में कुंगरपुरा में मरघटा की बाउंड्री नहीं हुआ है, तालाब नहीं है अच्छी तरीके से, गांव में कोई नाली नहीं है, बहुत परेशान है आदमी। और आगे चल के उसको रोड भी नहीं है, और एक ही रोड है, उस पर भी परेशानी है, डम्बर नहीं है उस पर। अब तक जो सरपंच रहे हैं वहाँ पर, तो कभी ग्रामीणों ने उनसे बात की है कि उन्होंने क्यों नहीं कर पाया? नहीं, करवाया है साहब। वहाँ क्या है, थोड़ा ठाकुरबादी है, थोड़ा दबदबा है उनका। अच्छा। इसलिए सरपंच ने उसने वहाँ पर काम नहीं करवा पाया है। हाँ, इस समय मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्राम पंचायत में क्या समस्या आप देख रहे हैं? हाँ, ग्राम पंचायत में ये सबसे ज़्यादा तालाब की है और नाली की है, एक बस्तरी से सड़क की जरूरी है, बहुत परेशान है, उसमें खेती बाड़ी पड़ती है, वहाँ के लोगों को जाना आना भी है, और खाद बीज के लाने बहुत परेशान होते हैं। तो विजय सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो सड़क की परेशानी है, क्योंकि बरसात के समय दलदल हो जाता है, जिससे ग्रामीण अपना काम करने में उनको भारी मशक्कत के साथ सामना करना पड़ता है। यदि गांव में कोई डिलीवरी हो जाती है तो अस्पताल तक ले जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो विजय सिंह बघेल जी, इसके पहले भी जो सरपंच उम्मीदवार रहे उन्होंने क्या संघर्ष नहीं किया जनता? किया है साहब, नहीं बिल्कुल उनने बिल्कुल संघर्ष नहीं किया है। एक बार एक आया था हरजन सीट आया था, तो हरजन सीट में वो दबदबे के वजह से उसने कुछ नहीं किया कर पाया है। हाँ, जब से ही पिछलाई चलते आ रही है। हाँ, और पंचायत भवन है, मान लो हर चीज़, मान लो ये है बिनई लोग भी कब्जा कर लेते हैं, अपने बना लेते हैं। हाँ, पूर्व सरपंच, हाँ, उन्हीं का हो गया है जी। तो विजय सिंह बघेल हमारे साथ, खंजापुरा ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो शासकीय भवन है उन पर दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं, जिससे ग्रामीण जो है किसी भी प्रकार से जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनौतीपूर्ण है? हाँ साहब, हमारी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शासन से थोड़ा हमको मदद मिल जाए तो मैं बिल्कुल भरपूर हूँ अभी। आपको लगता है कि मतदान क्या कोई मतदान प्रभावित हो सकता है? हाँ, हम लगता है कि साहब ये चुनौती दे रहे हैं कि हम मतदान अच्छी तरीके से नहीं करने देंगे। हाँ, तो इस समय पूरा जिला प्रशासन आपको देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा जो है कि हमारे प्रशासन से अच्छी मदद मिले हमको, और अच्छी तरीके से हमको वोट भी मिल रहे हैं। हाँ, और गरीब जनता हमको अच्छी तरीके से भी चाह रही है। तो आप ये चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से मतदान वहाँ पर किया जाए और निष्पक्ष मतदान हो? हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, कोई हम भी नहीं ऐसा करेंगे कि हम भी मान लो झगड़ा का, हम तो कर ही नहीं पाएंगे वहाँ। हाँ, बहुत गरीब आदमी हो वहाँ, बुध चुनाव ऐसा है वहाँ पर कि वो तो मैं खड़ा हो गया हूँ और लोग बोले, और इसलिए मैं खड़ा हो गया, नहीं तो वहाँ निर्वोध बनती साहब। अच्छा। हाँ, इतना तो अभी पहले कभी निर्वोध बनी है क्या? हाँ, एक बार निर्वोध भी बनी है वो। हाँ, दबदबाटे से एक दूसरे को दे दिया था, दबदबाटे से उनने कुछ भी किया हो लेकिन उनने दूसरे पे खींच के अपने गले में माला डाल ली थी। हाँ, तो आप इस चुनाव में, आप मैदान में, चुनाव मैदान में हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है।
हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमारे भी साथ होगा ऐसा। हाँ आप चुनाव लड़ने में क्या कमजोर साबित हो रहे हैं? नहीं वो मान लो ऐसा है कि कमजोर साबित तो मान लो कमजोर तो ठीक है, हम तो नहीं हो रहे हैं, हमारे वोटर पक्के हैं, इसलिए मैं कमजोर नहीं, यानी हालात में कमजोर हो जाता है। वोटर हमारे ये कह रहे हैं नहीं आप चुनाव लो मैं वोट दूंगा, लेकिन उजागर नहीं आ पा रहा है। हाँ हाँ बस दमंगी के साथ नहीं आ पा रहे हैं, क्यों उसकी भाई इतना है। अच्छा तो आपकी जनअदालत बीच के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ खंजापुरा ग्राम पंचायत जो कि भगवरामपुरा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, हमारे साथ विजय सिंह बघेल जुड़े हुए हैं। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अपनी ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि आप मुझको वोट देने की तैयारी करें और मैं आपके मैदान बीच में आ जाऊँ। मेरा चुनाव चिन्ह हैडपम्प है और 5 साल जनता की सेवा करूँगा। तो ये सरपंच पद के उम्मीदवार इनका चुनाव चिन्ह हेडपम्प है विजय सिंह बघेल ने ग्राम पंचायत के सभी जनता जनार्दन से अपील की है और हर प्रकार से जनता के बीच समर्पित होकर 5 साल वचन भी दे रहे हैं कि हम हर प्रकार से जनता के बीच में समर्पित होकर कार्य करेंगे। और ऐसे में देखना है जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मतदान प्रभावित को लेकर समस्या आ रही है, लेकिन इनको उम्मीद है कि यहाँ का दतिया का जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सख्ती बरतेगा और निष्पक्ष मतदान होगा, ऐसी ये उम्मीद करते हैं। जुड़े रहिए आपकी जनअदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। यदि आप आपकी जनअदालत न्यूज़ चैनल को समझ में आपको कम आ रहा है हो सकता है आप आपकी अदालत से उसमें डाल देंगे तो वो सीधा रजत शर्मा का शो उसमें शुरू हो जाता है। तो आपकी जन अदालत पूरा लिखें और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप राजा भैया पाल डाल दें और इस चैनल आ जाएगा और सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब उसको क्लिक करेंगे और उसकी घंटी को भी दबा दीजिए और दबा। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।